नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से। और मैं दोस्तों आज आप सबको बताने वाला हूं टाटा मैजिक EX गाड़ी है दोस्तों। यहां पे आपको दिखा देते हैं सबसे पहले इनका जो फ्रंट पहिया है, इसका बैरिंग जो है फूट गया है। चलिए इस वीडियो में आप सबको बताते हैं कि दोस्तों इसे कैसे चेंज किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ आपको दिखा देते हैं इनका जो बैरिंग है वो टूट गया है। तो यहाँ डिस्क पे देख लीजिए, बिल्कुल रगड़ा हुआ है क्लीपर में, क्योंकि दोस्तों बैरिंग जब टूट जाता है तो जो इनका हब है वो टेपर हो जाता है। तो यहाँ आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए ये मेरा हब है, बिल्कुल हिल रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना चाल बना रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसमें आपको बताते हैं कि कैसे इसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ही गाड़ी का रास्ते में अगर बैरिंग टूट जाए तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा ब्रेक वाला क्लिपर है, हमें इन्हें खोल कर हटाना होगा। यहाँ भी आपको दिखा देते हैं, एक बोल्ट इसे खोलना है और एक बोल्ट यहाँ नीचे में है, हमें इसे खोलना है। तो जो हमारा डिस वाला क्लिपर है वो हट जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, जो मेरा ब्रेक का क्लिपर है उसे खोल के हम हटा दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसके ऊपर रख दिए हैं ताकि जो हमारा पाइप है वो टूट ना पाए। उसके बाद यहाँ हब का परिस्थिति आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए कितना ज़्यादा प्ले है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्ले बना रहा है और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ढक है। दोस्तों इन्हें खोलने के लिए यहाँ पे 8 नंबर का बोल्ट, इसमें 8 mm का 4 बोल्ट है, इसे निकाल लेते हैं पहले हम खोल के। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, केप को हम हटाए हुए हैं। और दोस्तों आपसे बता देते हैं कि इनका जो ग्रीस का परिस्थिति है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यहाँ केप के अंदर भी आप देख लीजिए, सभी जो मेरा ग्रीस है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसी के कारण जो है बैरिंग इसका फूटा हुआ है। इसमें एक चीरा पिन दिखाई देगा आपको, इस चीरा पिन को हमें पहले निकालना होगा। यहाँ पे देख लीजिए जो मेरा चीरा पिन है लेते हैं, और चीरा पिन को निकालने के बाद इसमें आप देख लीजिए 24 mm का बोल्ट लगा हुआ है, इसे हम खोलेंगे। अब हब को हम बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए जो मेरा बैरिंग का परिस्थिति है अंदर वाला, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यहाँ देख लीजिए बिल्कुल जितना भी छारा है सबको तोड़ के और बाहर निकाल दिया है दोस्तों। और यहाँ हब के अंदर आप देख लीजिए, इनका भी परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो चलिए पहले बैरिंग को बाहर निकालते हैं दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों चलिए हम इसके अंदर हब के अंदर नया बैरिंग डालने जा रहे हैं। यहाँ आपको हब को दिखा देते हैं, इसे हम बिल्कुल धो धा के और सफाई कर दिए हैं, क्लीन कर दिए हैं। यहाँ दोनों तरफ से आपको हम दिखा देते हैं, हम नया डाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, दोनों मेरा NBC कंपनी का बैरिंग है और बिल्कुल ओरिजिनल बैरिंग है। साथ में दोस्तों आपको बता देते हैं कि एक बड़ा बैरिंग लगता है और एक छोटा बैरिंग लगता है। देख लीजिए 32032 है दोस्तों, इनका प्राइस है 447 रुपया। दूसरा बैरिंग भी आपको दिखा देते हैं, इनका जो नंबर है दोस्तों ये देख लीजिए 3024 है दोस्तों, इनका प्राइस है 322 रुपया है दोस्तों। तो चलिए इसे हम आपके अंदर फिटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, जो मेरा बैरिंग का कॉलर है उसे हम हब के अंदर कैसे फिटिंग करते हैं। यहाँ जो मेरा कॉलर है इस हब के अंदर बैठा दिए हैं। अब इसके ऊपर सुमी लेके और धीरे धीरे इसके ऊपर चोट मारेंगे। यहाँ देख लीजिए, तो देख लीजिए जो मेरा बैरिंग का कॉलर है इसे फिटिंग कर दिए हैं हम। चलिए अब दूसरा वाला जो बैरिंग है छोटा वाला 3024 इसे हम फिटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया इसका कॉलर, इसके ऊपर बैठा के यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बैरिंग हब के अंदर हम दोनों बैरिंग को कॉलर को फिटिंग कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम ग्रीस को भर दे रहे हैं इसके हब के अंदर। यहाँ ग्रीस भर देने के बाद उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, जो मेरा बड़ा वाला बैरिंग है इसे हम 32032 है दोस्तों, इसे हम फिटिंग करने आ रहे हैं। तो पहले जो मेरा है इसे हम सॉकेट को इसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद इसमें बैरिंग को, इसका जो सील है दोस्तों उससे भी हम नया डाल देते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा। चलिए हम दोस्तों, जो मेरा छोटा वाला बैरिंग है इसे हम स्पेंडल के ऊपर फिटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसे फिटिंग। देख लीजिए दोस्तों, जो हमारा स्पेंडल है, स्पेंडल को बिल्कुल हम धो धा के क्लीन कर लिए हैं। चलिए अब जो हमारा हब है इसे फिटिंग करते हैं इसमें। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर हम बिल्कुल ग्रीस वरीस डाल के और फाइनल कर दिए हैं। चलिए अब इसे ग्रीस वरीस और सभी बैरिंग को फिटिंग वटिंग कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों मेरा दूसरा बैरिंग है उससे हम इसके अंदर बैठा देते हैं। और बैरिंग लगाने के बाद दोस्तों मेरा जो वाशर है इसमें हम बैठा देते हैं। दोस्तों वाशर को जब भी हम फिटिंग करेंगे इसमें आपको वाशर में अंदर कट दिखाई देगा, स्पेंडल के ऊपर भी कट दिखाई देगा। तो जब भी हम वाशर को फिटिंग करेंगे यहाँ पे कट के अंदर बैठा लेंगे। मेरा जो वाशर है घूमना नहीं चाहिए,
क्योंकि उसमें बल्ब आएगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम आगे जो है इसे घुमा के और इसका प्ले जो है चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो मेरा बैरिंग है उसे बिल्कुल हम फाइनली कर लिए हैं हब को। अब चलिए आपको घुमा के दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देते हैं। जो मेरा पहले बहुत ही ज़्यादा प्ले था इसके अंदर और पूरा टेपर होकर चलता था दोस्तों, अभी देख लीजिए आप बिल्कुल फाइनल हो गया है। जब भी हम केप को टाइट करेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस भर देंगे ताकि जो हमारा हब के अंदर अगर वहाँ मान लीजिए कि अगर बैरिंग ग्रीस का कमी होता है तो यहाँ से चला जाता है, या बैरिंग जब टूटता है तो उसका जितना भी छारा है इसके अंदर आके रुक जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो भी मेरा हब है अगले पहिए का, इसे हम बिल्कुल फाइनली कर लिए हैं। अब चलिए इसे घुमा के दिखा देते हैं ज़रा आपको। ये देख लीजिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और इसका प्ले भी चेक करके दिखा देते हैं, देख लीजिए जो हिल रहा था वो थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।